हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आज आंवले का अचार बनाने जा रहे हैं। आंवला और हरी मिर्च, यहाँ पे मैंने आंवले को स्टीम कर लिया है। स्टीम करने के बाद देखिए, मैंने इसे कट कर लगाया है। उसके बाद इसे ऐसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। इसे बीच बीच में कट करते जाएंगे, वो अपने आप निकलता जाएगा एक पीस। जब ये आप कट कर लेंगे, उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए आप इसे धूप में रख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी मैंने कट कर लिया था, उसको थोड़ा सा धूप दे दिया है उसे भी। यहाँ पे मैंने सरसों तेल लिया है। उसके बाद उसमें हम अजवाइन डाले हैं और फिर कलौंजी आधी चम्मच, और फिर एक चम्मच यहाँ पर लाल मिर्ची लिया है, और हींग लिया है, और हल्दी पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड में रख देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे अजवाइन और कलौजी, मेथी और धनिया, इन सबको रोस्ट कर लिया है। उसको हमने इसे पीस लिया है। इसको पीसने पर इसको हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच, और फिर यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने नमक डाल दिया है। अब यहाँ हमने जो ठंडा होने के लिए रखा था तेल, वो उसे भी डाल देंगे। अब हम इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि हरी मिर्ची और आंवले में लिपट जाए अच्छे से मसाले और तेल। उसको ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 2 से 3 दिन तक धूप में रखेंगे। उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसे प्लास्टिक की बॉटल में ना रखिएगा, शीशे में रखिएगा। थैंक यू।